गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेज। स्टूडेंट्स, हमने आपके प्रीवियस क्लास में कंप्यूटर का लेसन 6 स्टार्ट किया था, जिसका नेम था वर्ड पैड। हमने रीड किया था कि वर्ड पैड क्या होता है, वर्ड पैड को ओपन कैसे किया जाता है और वर्ड पैड के कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं। आगे देखिए, आगे है एंटरिंग टेक्स्ट, कि किस प्रकार से किसी टेक्स्ट को एंटर किया जाता है। यू हैव लर्न टू ओपन वर्ड पैड विंडो, आपने वर्ड पैड विंडो को ओपन करना सीखा। एज द विंडो ओपन्स, जैसे ही विंडो खुलती है, यू कैन एंटर टेक्स्ट इन इट, तो उसके अंदर आप क्या करते हो, टेक्स्ट को एंटर कर देते हो। फॉर एंटरिंग टेक्स्ट, टेक्स्ट को एंटर करने के लिए यू जस्ट हैव टू स्टार्ट टाइपिंग फ्रॉम द कीबोर्ड। तो आपको क्या करना होता है, आपको उसी समय जस्ट आपने टाइपिंग स्टार्ट कर देनी होती है। द टेक्स्ट विल अपीयर ऑन द वर्किंग एरिया, जो टेक्स्ट होता है वो वर्किंग एरिया के ऊपर अपीयर होने लगेगा। टू स्टार्ट ए नेक्स्ट लाइन और ए पैराग्राफ, अगर हम किसी नेक्स्ट लाइन को या फिर पैराग्राफ को स्टार्ट करते हैं, यू कैन प्रेस द एंटर की, तो हमें फिर से क्या करना होता है, एंटर की को दबाना होता है। टू स्टार्ट ए न्यू पैराग्राफ, यू कैन यूज़ टैब की, नया पैराग्राफ को स्टार्ट करने के लिए हम टैब की को भी प्रयोग में ला सकते हैं। नेक्स्ट इज सेविंग द डॉक्यूमेंट, एक बार टेक्स्ट एंटर होने के बाद हम उस डॉक्यूमेंट को सेव कैसे करते हैं। When your work is finished, जब आपका काम फिनिश हो जाता है, ख़त्म हो जाता है, follow the following steps to save your document। तो ये जो नीचे दिए गए steps हैं, हमें इनको अपनाना होता है document को save करने के लिए। सबसे पहले click on word pad button main menu। सबसे पहले हमें word pad button को जो click करना होता है, फिर select save as option, और फिर save का option आता है, उसको select करना होता है। द सेव एज डायलॉग बॉक्स अपीयर्स, फिर क्या होता है, स्क्रीन के ऊपर डायलॉग बॉक्स, सेव एज डायलॉग बॉक्स जो है अपीयर होता है। नेक्स्ट स्टेप कौन सा है, सेलेक्ट द लोकेशन, फिर हमें लोकेशन सेलेक्ट करनी होती है। एंड गिव द फाइल नेम इन द फाइल टेक्स्ट बॉक्स, और जो फाइल टेक्स्ट बॉक्स होता है उसके अंदर हमने क्या करना होता है, उस फाइल को नाम देना होता है कि हमने वो डॉक्यूमेंट किस नाम से सेव करना है। व्हेन डन, जब यह हो जाता है, क्लिक द सेव बटन, तो सेव बटन को क्लिक करना होता है। नेक्स्ट है ओपनिंग एन एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट, जो डॉक्यूमेंट पहले से ही हमने सेव करके रखा है उसको किस प्रकार से ओपन करना है। टू ओपन एन एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट, फॉलो द फॉलोइंग स्टेप्स, क्लिक ऑन वर्ड पैड बटन, सबसे पहले हमने वर्ड पैड बटन को क्लिक करना है या मेन मेन्यू को करना है। सेलेक्ट ओपन ऑप्शन, फिर हमने ओपन के ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। द ओपन डायलॉग बॉक्स विल अपीयर, फिर जो ओपन डायलॉग बॉक्स है वो अपीयर हो जाता है स्क्रीन पर। नेक्स्ट स्टेप है सेलेक्ट द लोकेशन, फिर हमने लोकेशन सेलेक्ट करनी होती है। चूज द रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट एंड क्लिक द ओपन बटन, फिर हमने जिस भी डॉक्यूमेंट की ज़रूरत होती है, जो हमने पहले से सेव किया हुआ है, फिर उसको ओपन करने के लिए ओपन बटन को क्लिक करना होता है। नेक्स्ट है सिलेक्टिंग टेक्स्ट इन डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट के अंदर हम टेक्स्ट को कैसे सिलेक्ट करते हैं। लेट्स लर्न हाउ टू सिलेक्ट टेक्स्ट इन वर्ड पैड डॉक्यूमेंट, हम वर्ड पैड डॉक्यूमेंट के अंदर किस प्रकार से एक टेक्स्ट को सिलेक्ट करते हैं वो सीखेंगे। सबसे पहले सेलेक्ट ए लाइन, हमें एक लाइन सेलेक्ट करनी होती है। टू सेलेक्ट ए लाइन, सिंगल क्लिक ऑन द वाइट स्पेस टू द लेफ्ट ऑफ द लाइन, लाइन के जो लेफ्ट में एक वाइट स्पेस दिया होता है उसके ऊपर हमने क्या करना होता है, सिंगल क्लिक करना होता है, एक ही बार क्लिक करना होता है। फिर सेलेक्ट ए वर्ड, टू सेलेक्ट ए वर्ड, एक वर्ड को सेलेक्ट करने के लिए डबल क्लिक ऑन इट, जैसा कि नाम से हमें पता चल रहा है, डबल, डबल मीन्स दो बार, फिर हमें दो बार क्लिक करना होता है। सेलेक्ट ए पैराग्राफ, एक पैराग्राफ को क्लिक कर सेलेक्ट करने के लिए ट्रिपल क्लिक ऑन इट, हमें उस पर तीन बार क्लिक करना होता है।
लाइन को सिलेक्ट करने के लिए एक बार, वर्ड को सिलेक्ट करने के लिए दो बार और पैराग्राफ को सिलेक्ट करने के लिए तीन बार क्लिक करना होता है। लॉन्ग सिलेक्शन, फॉर ए लॉन्ग सिलेक्शन ड्रैग द माउस टिल वी हाईलाइट द टेक्स्ट वी वांट टू सिलेक्ट। अगर हमें किसी फाइल की लॉन्ग सिलेक्शन करनी है तो हमें क्या करना होता है, माउस को इधर उधर हिलाना होता है और फिर जब तक कि वो हाईलाइट नहीं कर सकता, कर देता है, सॉरी, जब तक वो हाईलाइट नहीं करता उस टेक्स्ट को जो टेक्स्ट हम सिलेक्ट करना चाहते हैं, तब तक हमें उस माउस को ड्रैग करना होता है। वी माइट हैव नोटिस्ड दैट द सिलेक्ट टेक्स्ट अपीयर टू बी हाईलाइटेड ऑन द स्क्रीन। फिर हम क्या नोटिस कर सकते हैं कि जो टेक्स्ट हमने सिलेक्ट किए हैं वो स्क्रीन के ऊपर हाईलाइट होने लगते हैं। ये लेसन हमारा कंप्लीट हो चुका है, इसका टिक दी करेक्ट ऑप्शन और फिल इन द ब्लैंक्स मैंने करवा दिए थे। इसके साथ मैं आज आपको इसके ट्रू फॉल्स और इसके क्वेश्चन आंसर सेंड करूँगी, वो आपने अपनी कंप्यूटर की नोटबुक में नोट डाउन करने हैं और ट्रू फॉल्स को आपने अपनी बुक में फिल करना है। ओके स्टूडेंट्स, बाय, हैव ए नाइस डे।